नमस्कार, मैं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार संतलोक आश्रम प्रकरण मामले में कोर्ट द्वारा रामपाल को दोषी करार दिए जाने के बाद जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। उपायुक्त ने बताया कि अदालत ने मुकदमों 429 व 430 में रामपाल सिंह अन्य दोषियों को भी दोषी करार दिया है। इस मामले में अलग अलग मुकदमों की सजा 16 व 17 अक्टूबर को सुनाई जाएगी, इसलिए उनकी ओर से पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और जब तक सजा नहीं सुनाई जाती तब तक धारा 144 लागू रहेगी। देखें हिसार से प्रवीण कुमार की पल पल के लिए यह खास रिपोर्ट। इसमें एफआईआर नंबर 429-430 में सभी दोषियों को दोषी करा दिया गया। सभी को सेक्शन 302 सेक्शन 343 एंड 120 बी में। कितने और कितने आरोपी थे? एफआईआर नंबर 429 में 15 थे और 430 में 14। सर थोड़ा इस तरफ आगे की क्या वो डेट रखी है सर? कुछ 429 में मंडे को और 430 में ट्यूजडे को, बाकी जो उसके बाद। तो क्या ग्राउंड रहा कुछ इसमें जो है दोषी? हमारी जो एविडेंस हमने जो पेश की थी मजबूती से अपना पक्ष रखा था और माननीय अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया था। सर सभी सेक्शन में सजा हुई है? किस किस सेक्शन में? सभी सेक्शन में सर। किस तरह के ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये माना कि रामपाल और ये तमाम जो अनुयायी हैं दोषी हैं? इन केसेस में इन्होंने कन्फाइन किया हुआ था, सारे जो विक्टिम थे इनकी कस्टडी में थे और हमने 428 एफआईआर में इन्हीं को वहीं से अरेस्ट किया था। अंदर से हमारा केस यही था, इन एक्यूज इन्होंने कन्फाइन किया होता फोर्सफुली और वो बाहर आना चाहते थे लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया। यानी बंधक बना कर रखा हुआ था। आज रामपाल व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे? यस सर। टोटल कितने लोगों को सजा हुई है सर? टोटल दोनों एफआईआर में 29 लोग हैं। केस में दो एफआईआर दर्ज थी 429 और 430 2014 की। उनमें दोनों एफआईआर में एक 429 में 15 अक्यूज थे और 430 में 14 अक्यूज थे। उन सभी अक्यूज को माननीय न्यायालय ने दोषी करार किया है और उसमें जो 429 एफआईआर है उसमें 16 अक्टूबर को सेंटेंस का फैसला सुनाया जाएगा और 430 में 17 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा सेंटेंस के बारे में। इसमें जो सेक्शन थे वो 302 343 और 120 बी सेक्शन के तहत उनको दोषी करार दिया। जैसा कि आपको जानकारी है 16-17 को सेंटेंस सुनाया जाएगा तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूर्व की भांति रखा जाएगा और हम सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार की कोई भी बाहरी तत्व अंदर ना आ पाए और सुरक्षा व्यवस्था को हम बरकरार रखेंगे और 16-17 को सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। ऐसा नहीं, जो माननीय न्यायालय ने वारंट जारी किया था उनको प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी अनुपालना में जेल नंबर 2 से उनको जेल नंबर 1 कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।